तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पेमेंट का इंतज़ार कर रहे होंगे। बाकी पेमेंट तो खैर धीरे धीरे आ रहे हैं। कल का दिन बेरोजगारी भत्ते के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। कल बिल पास का महाधमाका आप कह सकते हैं। देखिए, जनवरी 2024 के कल से ही बिल बनना स्टार्ट हुए थे और कल की डेट में काफ़ी सारे जिलों का बिल पास हो चुका है जनवरी 2024 का। बाकी कुछ ऐसे जिले थे जिनके कल डबल डबल बिल पास किए गए थे। दिसंबर का भी हुआ और जनवरी का बिल पास भी हुआ। हालांकि कल जो दिसंबर के और जनवरी के जो बिल पास किए गए हैं, सारी अपडेट आगे वीडियो में जानने वाले हैं। इसके अलावा लेट नाइट तक आपको पता है कि आपका भत्ता भी आता है। आपको तो घमंड होगा कि हमारा भत्ता तो लेट नाइट तक आता है। तो कल पेमेंट वगैरह भी आया था, अगस्त के कुछ जिलों के पेमेंट आए थे, उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि टोटल पूरी अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से हमेशा की तरह जोड़कर निवेदन कि प्लीज़ चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, भत्ते की बाकी अपडेट के बारे में बात करें उससे पहले देखिए इस ट्वीट के बारे में बात करते हैं। कल ये ट्वीट राधे मीणा का था, काफ़ी अच्छा ट्वीट है। और आज आपको 10 से 12 बजे के बीच में आपको भी ट्वीट और रिट्वीट करना इस हैशटैग के साथ कि बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करें। बाकी एक बार इस ट्वीट पर नज़र डाल लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा गया। कुछ लोग कंफ्यूज भी थे इसके अंदर कि कल बेरोजगारी भत्ते पर अशोक गहलोत साहब ने ट्वीट करते ही विभाग के सचिव से लेकर सभी अधिकारियों की हर जिला लेवल तक मीटिंग हुई। यानी कि परसों के दिन अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया था कि बेरोजगारी भत्ता वगैरह नहीं दे रहे, जो हमारी योजना थी। और फिर उसी दिन पेमेंट भी आया था। और ये कल राधे मीणा का ट्वीट है और आज आपको ट्वीट या रिट्वीट करने के लिए इसने बोला है। आज की बात है, प्रेजेंट टाइम और 10 से 12 के बीच में। तो यहाँ पर लिखा कि मतलब गहलोत साहब के ट्वीट करते ही विभाग के सचिव से लेकर सभी अधिकारियों के हर जिला लेवल तक मीटिंग हुई। जिन जिलों का बजट 50 लाख से नीचे था उनका बिल ट्रेजरी ऑफिस से पास हो गया और बेरोजगारों को कुछ माह का भत्ता मिल गया। ये होती है पावर। देखिए, 50 लाख से नीचे का बजट का मतलब क्या। देखिए, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर कम कैंडिडेटों को भत्ता मिलता है, तो उनके अंदर अगर एक महीने का 50 लाख से कम बजट है, उनके जो बजट था मतलब 50 लाख से नीचे था एक महीने का देने का, तो उनको जल्दी से जो पास करके पेमेंट वगैरह आए हैं उनका बजट, यानी कि जो एक साथ भत्ता देने का जो बजट था वो 50 लाख से नीचे था, तो उन्हीं के ये पेमेंट वगैरह आ रहे हैं, इसका मतलब ये है। इसके अलावा नीचे लिखा गया कि पूर्वी राजस्थान हाड़ौती मेवा समेत सेकावटी क्षेत्र का भत्ता राज्य को नहीं मिलने वाला, इसलिए कल सुबह 10 से 12 बजे हमें मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ रही है, आपका सहयोग की उम्मीद है। देखिए, वैसे आवाज़ तो आप सभी को मिलकर बुलंद करनी है। देखिए, वैसे आपको देखा जाए तो अधिकतर जो बिल पास भी हुए हैं, आगे बात करेंगे, तो वो ST और SC के हुए हैं, जनरल OBC के नहीं हो रहे। और ये 50 लाख से नीचे बजट की बात की गई तो बजट कम होने की वजह से देखिए सिर्फ ST SC के अधिकतर पेमेंट हो रहे हैं, बाकी जनरल OBC के पेमेंट वगैरह नहीं हो रहे। तो आपको भी ये चीज़ें करनी है। अगर आपका जल्दी पूरा भत्ता क्लियर हो जाता तो अच्छी बात है। बाकी पेमेंट वगैरह तो खैर आ रहे हैं आपको पता है कि, पर जो धमाके की उम्मीद थी वो नहीं हो रही। तो कुल मिला के बात यह कि आज आप सभी लोगों को 10 से 12 बजे के बीच में ट्वीट व रिट्वीट करना और हैशटैग ये रखना, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करो, ताकि यही ट्रेंडिंग में आए। बाकी मैं उस समय जो भी ट्वीट वगैरह करके आपको पोस्ट कर दूंगा लिंक में ग्रुपों के अंदर, तो आपको उसे ट्वीट व रिट्वीट करना है। बाकी दोस्तों देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बाकी जो बिल पास और पेमेंट वगैरह हुए हैं वो तो काफ़ी धमाके के साथ हो रहे हैं। पेमेंट की जो उम्मीद थी कर वो तो इतना नहीं आ रहा, लेकिन जो बिल पास है वो काफ़ी धमाके के साथ और काफ़ी तेज़ी की देखी गई है इसके अंदर। तो देखिए, अब बिल पास के बारे में ही चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें दिसंबर के बारे में। पिछली वीडियो तक आपने देखा होगा कि 25 जिलों के मैंने दिसंबर के बिल पास दिखा दिए थे। उसके बाद में दोस्तों नागौर डिस्ट्रिक्ट के लिए कल काफ़ी अच्छी खबर मिली थी। नागौर का दिसंबर 2023 का बिल पास कल कर दिया गया था, हालांकि सभी का नहीं हुआ, ST SC के अंदर आप चेक करना। और नागौर को एक और अच्छी खबर मिली थी कि जनवरी का भी इनका बिल पास हुआ था, जनवरी 2024 का। वैसे तो जनवरी वाले बिल में आगे बात करेंगे, तो ये दिसंबर की बात चल रही, तो नागौर का दिसंबर 2023 का बिल पास हो चुका है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी अच्छी खबर थी कि कल दिसंबर 2023 का बिल पास हो चुका था। इसके अलावा अग्रणी डिस्ट्रिक्ट भरतपुर के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है कि दिसंबर 2023 का इनका भी बिल पास हो चुका है, लेकिन ये ST SC के अंदर ही हुआ दिसंबर का, ये भरतपुर के अंदर भी। इसके अलावा पाली डिस्ट्रिक्ट के लिए, वैसे तो पाली का एक दो दिन पहले बिल पास हो गया था, तो पाली डिस्ट्रिक्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है कि इनका भी ST SC का दिसंबर 2023 का बिल पास हो चुका है। याद रहे, भरतपुर पाली के अंदर सिर्फ ST SC का ही बिल पास हुआ, बाकी जनरल OBC का नहीं हुआ। देखिए, इन जिलों को मिलाने के बाद में 29 जिलों का बिल पास हो गया अब तक दिसंबर का। बाकी कुछ जिले हैं जिनके अंदर ST SC का ही बिल पास हुआ है और जनरल OBC का नहीं हुआ, तो वो अलग बात है। बाकी काउंट वाइज 29 जिलों के हो गए। बाकी सिर्फ अब ये 4 जिले बसते हैं, बूंदी, झुंझुनू, प्रतापगढ़ और राजसमंद, जिनके दिसंबर का बिल पास होना बाकी है। तो काफ़ी अच्छी खबर है कि दिसंबर के बिल पास तो लगभग कंप्लीट हो गए।
इसके बाद में दोस्तों अब धमाके के साथ बात करते हैं कि जनवरी के कितने जिलों के बिल पास किए गए, क्योंकि कल जनवरी का बिल पास कल से स्टार्ट हुआ बनना और काफ़ी जिलों का एक साथ बिल बन गया है और काफ़ी अच्छी खबर है। देखिए शुरुआत से शुरू करते हैं, कल नागौर डिस्ट्रिक्ट का जनवरी 2024 का बिल पास हो चुका है। याद रहे देखिए मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी का हुआ था, लेकिन ये ST और SC कैटेगरी के अंदर ही हुआ। एक चीज़ का पहले से ध्यान रख ले, जो भी मैं जिले बताने वाला हूँ जनवरी 2024 के, उन सभी के बिल पास तो हुए हैं, लेकिन कैटेगरी ST और SC है। जनरल OBC के अभी जनवरी के किसी का बिल पास नहीं किया गया है। तो नागौर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी का बिल पास है, लेकिन ST SC के अंदर ही बिल पास है जनवरी 2024 का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अजमेर का भी जनवरी 2024 का बिल पास हो चुका है ST SC के अंदर। इसके अलावा सीकर डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, इनका भी जनवरी 2024 का बिल पास हो चुका है, लेकिन वो भी ST SC के अंदर ही हुआ है। इसके अलावा काफ़ी अच्छी खबर मिली जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, इनका भी जनवरी 2024 का बिल पास हो चुका है, लेकिन ये ST के अंदर ही बिल पास हुआ है ST SC के अंदर, जो भी मेल कैंडिडेट होगा। इसके अलावा ये आप बिल देख सकते हो, ये जयपुर के अंदर हैंडीकैप लोगों का भी बिल पास कर दिया गया जनवरी 2024 का, ये हैंडीकैप की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि धौलपुर का भी ST SC का बिल पास हो चुका जनवरी 2024 का। बाकी धौलपुर वाले कल काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा दिसंबर का बिल पास नहीं हुआ और आप बता रहे हो। देखिए एक बार एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं जब भी अगर यहाँ पर बिल पास बताता हूँ तो पूर्व के साथ ही बताता हूँ। देखिए आपका बिल है वो सेकेंड नंबर पर ही पास हो गया था दिसंबर का, तो लेकिन वो ST SC का बिल पास हो रखा है और ST SC का ये जनवरी 2024 का बिल पास हो रहा है। जनरल OBC का भी आपका बिल पास नहीं हुआ है। कई बार ये भी हो जाता है कि बिल पास होने के बाद में उसे वापस हटा लिया जाता है। तो कई बार आपने कमेंट मैंने ग्रुप के अंदर भी देखे थे धौलपुर वालों के, ऐसा नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं यार, हम यहाँ पर अगर कोई बिल पास बता रहे हैं तो प्रूफ के साथ बताते हैं। रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर चीज़ का प्रूफ होता है। बाद में बिल पास हट भी सकता है तो उसमें गलती हमारी थोड़ी ना होती है। तो ST SC के इस समय बिल पास हो रहे हैं, अब जनरल OBC वाले यही कमेंट करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, हमारा कोई बिल पास नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ को समझे, हम बता क्या रहे हैं यार, धौलपुर का ST SC का बिल पास हुआ जनवरी 2024 का और आप कह रहे हो कि हमारा दिसंबर का भी नहीं हुआ। दिसंबर का होकर तो ST SC का भी हो गया, बाकी जिनका रह रहा है उनका तो दिसंबर का भी रह रहा हो और जनवरी का भी रह रहा है। तो ये चीज़ समझे यार, समझने की बात है कि ST SC बोल रहा हूँ तो ST SC का ही बिल पास हुआ है। तो धौलपुर का बिल पास हो चुका है जनवरी 2024 का। इसके अलावा दौसा के अंदर भी काफ़ी अच्छी खबर है कि ST SC का, इनका भी बिल पास हो चुका है जनवरी 2024 का। इसके अलावा भरतपुर का देखिए कल दिसंबर का बिल पास भी हुआ था और कल ही जनवरी 2024 का भी बिल पास कर दिया गया है, काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन इनके लिए भी यही है कि ST SC के अंदर ही भरतपुर का बिल पास हुआ जनवरी 2024 का। इसके अलावा अग्रणी डिस्ट्रिक्ट अलवर डिस्ट्रिक्ट का भी बिल पास हो चुका है जनवरी 2024 का, लेकिन ये भी ST SC के अंदर ही हुआ है। एक चीज़ कॉमन देखना कि जनवरी के जो बिल पास किए गए हैं वो सिर्फ ST SC के अंदर ही किए गए हैं, जनरल OBC का भी बिल पास नहीं हो रहा है। कुल मिला के अगर कल की बात करें तो कल के दिन के अंदर ही जनवरी 2024 के वो बिल हैं वो टोटल 8 जिलों के हो चुके हैं। अगर सवाई माधोपुर वगैरह जिले की बात करें तो कल देखिए दिसंबर के जो बिल पास उनके जिनके नहीं होते, सवाई माधोपुर के अंदर बिल चेक कर लेना, सभी के दिसंबर के बिल पास हो चुके हैं और जनवरी के इन 8 जिलों के बिल पास है। इसके अलावा दोस्तों बात करें पेमेंट के बारे में, तो देखिए पेमेंट कल देर रात को आया था, मैंने लास्ट वीडियोज़ के अंदर आपको बताया भी है। देखिए 12 डिस्ट्रिक्ट का अगस्त का पेमेंट खातों में आया था, आपको पता है कि 12 का परसों के दिन रात को भी आया था और कल रात को भी आया है। पहले उसका जुलाई का पेमेंट जिनका बकाया रह रहा था उनका आया था और कल अगस्त का आया, हालांकि सभी का नहीं आया अगस्त का। इसके अलावा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी अगस्त का पेमेंट आया था, लेकिन याद रहे बांसवाड़ा का वैसे तो पहले ST SC का अगस्त का पहले खातों में आ चुका था। कल जो पेमेंट आया जिनका बाकी रह रहा था जनरल OBC के अंदर, उनका अगस्त का पेमेंट आया। तो अगस्त का पेमेंट बांसवाड़ा के अंदर एक बार ध्यान दे ले, बांसवाड़ा का पेमेंट अगस्त का वैसे पहले ही आ चुका था लेकिन वो ST SC के अंदर आया था। अब जो पेमेंट आया कल देर रात को वो जनरल OBC के अंदर, जिनका अगस्त का पहले नहीं आया था उनका ही सिर्फ आया है, लेकिन जो पेमेंट आए वो अगस्त के आए। अगस्त के वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग 26 जिलों का पेमेंट अगस्त का पहले ही आ चुका है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि 26-27 जिलों के अगस्त के पेमेंट बाकी आ चुके हैं। लेकिन उन 26-27 के अंदर से भी मतलब काफ़ी जिले ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ ST SC का ही पेमेंट आया था उस वक्त तक जब लास्ट बार पेमेंट आए थे, तो जनरल OBC के पेमेंट अब आपके खाते में आएंगे। बाकी ज़्यादा बड़ा धमाका तो खैर नहीं हो रहा पेमेंट का, लेकिन धीरे धीरे चलो चलता रहे वो भी काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन ये जो बिल पास का है वो काफ़ी बड़ा धमाका था यार, एक दिन के अंदर ही 8 जिलों का बिल पास। हालांकि 8 तो सिर्फ जनवरी के थे, दिसंबर और इनको मिलाकर तो काफ़ी सारे जिले हो जाते हैं। कई जिले ऐसे थे जिनके अंदर दिसंबर के पहले सिर्फ ST SC के बिल पास हुए थे, फिर जनरल OBC के भी कल हो गए। तो काफ़ी अच्छे अपडेट मिल रहे यार, मतलब आचार संहिता हटने के बाद में
काफ़ी तेज़ी सी आ गई है। वैसे पेमेंट की तो काफ़ी उम्मीद लगी गई है कि पेमेंट वगैरह तो अब आपके जल्द क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप ट्वीट वगैरह आज जो करना है वो भी कर लेना, जो आपको करना है वो तो आप करो, बाकी बिल पेमेंट तो होते रहेंगे। बाकी आज सुबह तक यही अपडेट थी। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।